आज हम पैदल यात्रा करके जा रहे हैं जाखू टेम्पल। तो 11:14 हाँ वहीं से चलते हैं। अब रोड पे बाय रोड पर ले ना 2 किलोमीटर। ठीक है चलो चलो, कहाँ रुकी, पर पैदल चलना भी देखो सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। हफ्ते में एक बार हमने भी रखा होगा, एक बार 10-12 किलोमीटर। और कमरों ना आ गए, नंगे पाँव चले उस दिन के बाद में ना पाँव में दर्द उठती है, सब ठीक हो गया। मुझे लगता है नंगे पाँव भी चलना चाहिए थोड़ा बहुत। तो पैदल चलना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, हेल्थ पर्पज़ के लिए। जाएंगे ना बाहर, यहाँ से ये वाला रास्ता है या 3 मिनट का ना बाहर नाला है, ये तो घर हो रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक है। प्लाज है बड़े सुंदर यहाँ पे, वो देखो स्टेप्स ही खत्म हो रहे, इतनी कम से कम 1000 पौड़ियाँ चढ़ ली होंगी अभी तक, और मेरे को 150-200 दिख रही है अब तक विजिबल है, उसके बाद ही पता कितनी आगे। हॉर्टिकल्चर डायरेक्टोरेट है जो नब भाग में, वहाँ पहुँच गए हम। ये सामने संजौली दिख रहा है और मैं देख रहा था, देखो सुन हरी भरी उसमें ना एकदम से वो बीच में से काट के रखा, कितना अजीब लग रहा है। बस ये मेन हाईवे है संजौली वाला, यहाँ से ये डाइवर्जन है ऊपर, सिंगा रोड है जाखू के लिए। यहाँ से 2 किलोमीटर है जाखू पैदल भी और सड़क से भी। पैदल इसलिए क्योंकि हम जाएंगे और बाई रोड, इसलिए शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट हम जाएंगे नहीं। तो लेट्स गो, चलते रहिए। यहाँ से पीछे डाइवर्जन है, सीधा संजौली मिलेगा जाखू वाला रोड पर वाला। चलो जाखू टेम्पल है शिमला की सबसे हाईएस्ट पीक पे है, और 108 फुट की मूर्ति बनी है भगवान की, मूर्ति निकली यहाँ से। पैदल आके जो मजा आता है ना वो गाड़ी में और नहीं आता। ये सोशल मीडिया है ना, इसने कई पुराने गाने रिवाइव कर दिए जिनको कोई सुनता भी नहीं था, अब लोग सुनना पसंद कर रहे हैं। देखो पैदल चलना चाहिएगा, ये धार्मिक जितने भी प्लेस है ना वहाँ पे हो सके तो पैदल चले। भगवान कुछ नहीं वहाँ का, भगवान मांगता है कि तुम मेरे पास आए हो तो गाड़ियों का प्रदूषण कम लाओ, और आने वाली जनरेशन को भी समझना चाहिए कि पैदल चलने के कितने फ़ायदे हैं। पोल्यूशन कम होगा, रोड की हालत सही रहेगी, हर चीज़ सही रहेगी, क्यों सही। अभी 5-1 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं मंदिर, तो हम भाग्यशाली हैं कि चलो यहाँ शिमला में आके ना महीने में का दीवार हम दर्शन कर ही लेते हैं यहाँ पे आके। मैं तो जाखू टेम्पल कहाँ आना होता है, दूर दूर से नहीं आते,
तो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, दर्शन करेंगे और नेचर का मज़ा लेंगे। बढ़िया इंजॉय भी हो गया, पसीने से पूरे कपड़े लथपथ हो गए हैं और अब ठंडी हवाएं आ रही है और वो मिल रही है। आगे चल रहा है, अभी लगाए नहीं दिया क्या नौकरों की आ रहा है वो आए हाय वो फिर नौ दिया ना बहुत कोमल होते हैं क्या हाल उड़िया इधर तो देख आप भी डालोगे आप भी डालोगे क्या नाम है आपका नाम बताओ क्या नाम है क्या सारा टूर आज का बहुत बढ़िया मजा आया पैदल चल के बहुत हेलो आप पैदल चलेंगे एक किलोमीटर एक डेढ़ किलोमीटर के बाद मॉल यहाँ से कहाँ पहुँचेंगे यहाँ से निकलेंगे हम नीचे मॉल रोड के पास मॉल रोड के पास तो चलो फिर चले जय श्री राम यहाँ ना बारिश में बिना छाते के भी आप आ सकते हो पूरा लगा हुआ क्या नीचे तक जाखो तक लगा हुआ जो है आरकेएमबी कॉलेज आईजीएमसी हॉस्पिटल और अभी हमने जाखू और रिज के बिल्कुल मिडल में बहुत मजा आया पैर थक के बहुत बुरी तरह से मुझे तो आदमी भी सोया और वो भी बैठे हैं उसकी हाँ ये उसकी पैरदारी में बैठे पैरदारी करने बैठे हैं होगा पता नहीं वही होता चलो फिर भी देख लेते हैं वो भी ले लेते
देखने में अच्छी लग रही है पर है छोटी सी। तरह से आज हमने अपना ट्रैक पूरा कर दिया, लगभग हम 15 से 16 किलोमीटर पैदल चले और हालत ख़राब हुई है और कुछ जगह खा गया, अब थोड़ा सा रह गया, अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से पलट के चला जाए। मुझे हमने कवर कर दिया, मुझे भी 18,000। अब राजू राइनो किसने किया है? राइनो तूने किया ना? गुड बेटा। बिशी खाना, बिशी खाना, खाना है ठीक है। चलो फाइनली जहाँ से शुरू की थी वहाँ पे हम वापस आ गए। गंदे बच्चे, इन्होंने एक भी टूल का इन्होंने नहीं खाना था वैसे भी, है ना? अगर हम नौ